सो हाय गाइस, आज बात करने वाले हैं ओप्पो स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में, जो कि लॉन्च करने वाला है एक लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन, जिसका नाम होने वाला है ओप्पो K7 स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन काफी पावरफुल है और इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और इस फोन के रूमर्स और लीक सामने आ चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें मिलेगा आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें मिल जाता है आपको वाटर ड्रॉप नॉच और 411 का PPI, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और ओप्पो के 7 स्मार्टफोन में आपको बेजल्स भी बहुत कम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको 91.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। तो चलिए आगे बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें मिलने वाला आपको Qualcomm Snapdragon 765G का चिपसेट, और गाइस इस प्रोसेसर के साथ आप बहुत इजीली गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। और तो और इसके साथ इसमें मिल जाता है आपको Adreno 620 का ग्राफिक भी। और बात की जाए ओप्पो के 7 स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो इसमें मिलने वाला आपको दो वेरिएंट। पहला वेरिएंट होगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज, और दूसरा वेरिएंट होने वाला है 12GB रैम 256GB स्टोरेज। तो अगला टॉपिक होने वाला है कैमरे के बारे में। तो इसमें मिलने वाला आपको 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP का क्वाड रियर कैमरा, और इसमें 48MP का सोनी का सेंसर होने वाला है, जो की कमाल की बात है। और तो और इसमें मिल जाता है आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे कैमरा फीचर, और F1.7 का अपर्चर। और बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो इसमें मिलने वाला है आपको 32MP का सेल्फी कैमरा, और इसमें मिल जाता है आपको F2.0 का अपर्चर। तो चलिए अब बात करते हैं ओप्पो K7 स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो इसमें मिलेगा आपको 4025mAh की बैटरी, और इसमें मिल जाता है आपको 30W का चार्जर इन बॉक्स में वुक 4.0, और इसके साथ इसमें मिलता है आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ब्लूटूथ 5.0। और बात की जाए इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें मिलेगा आपको एंड्रॉइड 10। और वहीं बात करें इस फोन के कस्टम UI के बारे में, तो इसमें मिलने वाला आपको कलर OS 7। और ओप्पो के 7 स्मार्टफोन में आपको 4 कलर्स देखने को मिलने वाले हैं, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक और येलो, और एक एडिशन कलर होगा जो है ग्रेडियंट कलर में। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। और तो और बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में, तो इसका जो बेस वेरियंट होगा उसका प्राइस होने वाला है 21,999 रुपीज। और देखा जाए तो इस फोन का जो प्राइस होगा वो बेस्ट है। और आपको क्या लगता है इस फोन का प्राइस क्या हो सकता है, प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो गाइस सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे नए स्मार्टफोन की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।